आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे भी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो अभी क्या है ना कि मैं थोड़ा रेडी हो चुकी हूँ। अभी हम लोग निकलने वाले हैं घर से, मार्केट की ओर ही जाएंगे। आई होप कि आज सारा दुकान खुला हो, क्योंकि आज हम लोग एक बर्थडे पार्टी में जाने वाले हैं फिर से। तो आप लोग को थोड़ा बहुत शायद सुनाई दे भी रहा होगा, भजन हो रहा है तो उन लोगों के यहाँ ही हो रहा है। हमारे घर के सामने ही रहते हैं वो लोग। एक छोटी सी बच्ची है, 3-4 साल की, बहुत बातें करती है, बहुत क्यूट है। तो बस उसी का बर्थडे है और आज बहुत खुश होके बोल रही थी कि मेरा बर्थडे है। तो हस्बैंड जी भी आए हुए हैं। तो आएंगे आप? नहीं, वो नहीं आएंगे। और कल नहीं लेके आ रही थी मोबाइल के सामने, तो मेरे को कैसा कैसा बोल रहे थे वो। तो चलिए, मैं उनके हिसाब से वीडियो नहीं बन रहा था इसलिए वो आते हैं अभी। मतलब अच्छा बन रहा है इसलिए उनको बोलने का जरूरत नहीं है। जब मैं अच्छा नहीं बनाती हूँ तब वो मुझे बोलते हैं। तो सुन रहे हैं ना बात आप लोग से? परफेक्शन दिखा रहे हैं वो। अगर मैं उनका परफेक्शन वो करने लगूं तो कल आप लोग तो देखे ही ब्लॉग में कि क्या हो रहा था। आ जा, चलेगी क्या? हाँ, गौरव जाएगा क्या हम लोग के साथ घूमने? गौरव जाएगा, गौरव को ले जाऊं? नहीं, यही वो बच्ची है जिसका नाम अम्मू है। इसको अम्मू अम्मू बुलाते हैं, रानी भी बोलते हैं। इसी का ही बर्थडे है। आज सुबह सुबह बहुत ही खुश होकर मुझे बोली थी आज मेरा ना हैप्पी बर्थडे है। लड़की के लिए ड्रेस खरीदना ये बहुत ही बड़ा काम होता है। किसी लड़के के लिए तो बहुत ही आसान से हम लोग चूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, मुझे जो पसंद आ रहा था उसका साइज़ मिल नहीं रहा था और जिसका साइज़ मिल रहा था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो देख लीजिए, इसके बाद अभी हम लोग निकल जाएंगे बाहर और थोड़ा सा पॉपकॉर्न भी खा लें। तो देख लीजिए, फाइनली हम लोग अम्मू के लिए ये ड्रेस पसंद करते हैं। ये एकदम ज़्यादा रेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे दिख रहा है दुकान में, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये फ्रॉक टाइप से है, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उसके लिए। बहुत ही सिंपल था एंड गर्मी के हिसाब से भी बहुत अच्छा था, लाइक्रा में था। और देख लीजिए, उसके बाद अब हम लोग चले जाएँगे घर की ओर। एवरीवन, तो अभी हम लोग घर में भी आ चुके हैं। मतलब बहुत देर हो चुका है कि हम लोग घर पे भी आ चुके हैं। तो हम लोग गए थे 3:30 बजे लगभग,
और आए हम लोग 5:30 बजे। एक छोटी सी बच्ची का ड्रेस सिलेक्ट करने में हम लोग इतना टाइम लग गया। तो अभी क्या है ना कि मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, तो सिंपल जैसे मैं घर पे ही रहती हूँ वैसे ही, तो इसी ड्रेस में ही मैं जाने वाली हूँ। मेन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि कल भी मैं गई थी ऐसे ही बाहर, कल मैं स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहनी थी क्योंकि जो ड्रेस कल मैं पहनी थी ना वो थोड़ा सा हैवी था, तो मुझे ऐसा लगा कि ठंड नहीं लगेगा। लेकिन आते आते रात के 11 बज चुके थे और उसी वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा ना ठंड लग गया, और आज भी वैसे ही गई। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे सर्दी जुकाम होता है ना, सेम उसी तरह ही लग रहा है। सामने है बोल के इसलिए जा रही हूँ, मेरा बस चले तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। मेरा आँख ना अभी पूरा रेड हो चुका है, ऐसा लग रहा है ना कि मैं अभी सो जाऊँ। और उसका गिफ्ट रैप भी हो चुका है, हम दोनों मैचिंग है, गिफ्ट भी मैं भी, हम दोनों मैच हो चुके हैं अच्छे से। अभी मैं बर्थडे पार्टी से आ चुकी हूँ और यहाँ पर देख लीजिए कि मैं फ़िश भी मैरिनेट कर रही हूँ, तो हल्दी नमक के साथ ही कर रही हूँ। और इसको मैरिनेट करके ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो देख लीजिए यहाँ पर कि मैं इसका एक मसाला बनाने वाली हूँ, मतलब फ़िश मसाला। तो उसके लिए यहाँ पर टमाटर, मिर्ची और अदरक को मैं अच्छे से कट कर लूँगी। ये सब मैं धो चुकी हूँ एंड क्या है ना कि इसका एक पेस्ट बना लूँगी। मुझे दरदरा ही रखना है, मैं एकदम फाइन पेस्ट बनाने वाली नहीं हूँ। तो देख लीजिए कि अभी मैं चाकू से कट कर रही हूँ, लेकिन यही काम मुझे पहले बहुत मुश्किल लगता था। मुझे ना चाकू में कट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था पहले, मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी एक साल से हैबिट हो गया है। अब मुझे क्या है ना कि वो जो परसोल होता है उससे काटने का मन नहीं करता है, अब मैं चाकू से ही बहुत आसानी से काट भी लेती हूँ। एंड ये चाकू मेरे हस्बैंड जी लेके आए हैं, तो देख लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा धार है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर इसके बाद देख लीजिए कि मैं फ़िश भी फ्राई करने लगी हूँ, तो बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनाने वाली हूँ फ़िश मसाला, मतलब कोई भी इसका करी नहीं बनने वाला है। तो मैं फ़िश के हेड से एंड 2 पीस ऐसे ही फ़िश है तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ और इसी का ही मैं बनाने वाली हूँ। तो देख लीजिए एक साइड ये फ़िश फ्राई हो चुका है, तो अब मैं इसको पलट दूँगी। फ़िश मसाला बनाने के लिए देख लीजिए मैं सेम ऑयल में ही थोड़ा सा जीरा, साथ में एक सूखी मिर्च और तेज पत्ता डाल दी हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जो चॉप करके अनियन रखी थी वो डालने के बाद बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई कर ली हूँ। और यहाँ पर जो मिर्ची, अदरक और टमाटर का जो पेस्ट बना कर रखी थी उसे डाल दी हूँ और अच्छे से इसे भुनना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हल्दी नमक, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैं गर्म मसाला यूज़ कर रही हूँ, और इसको तब तक अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ना इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो चुका है एंड ये बहुत ही कम भी हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें पानी डाल देंगे, तो बहुत ही थोड़ा सा ही पानी यूज़ कर रही हूँ, इतना पानी यूज़ कर रही हूँ कि ये फ़िश पूरा एब्जॉर्ब कर ले, और खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी इसमें मैं देख लीजिए कि पानी में उबाल भी आ चुका है, और ये जो फ़िश फ्राई करके रखी थी इसको मैं इसमें डाल दूँगी, और डालने के बाद क्या है ना कि इसको मैं अच्छे से उलट पुलट कर लूँगी ताकि फ़िश जल्दी से एब्जॉर्ब कर ले पानी को, और ये बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देख लीजिए इसका जितना भी पानी था ये पूरा सूख चुका है, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है। एंड
देख लीजिए कि ये बन के रेडी हो चुका है। अब बारी आती है सर्व करने की। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये, और मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत बहुत दिन बाद मैं बनाई हूँ। आजकल क्या है ना कि मुझे मम्मी के हाथ का खाने में बहुत अच्छा लगता है ना, तो बस वही मैं ट्राई कर रही हूँ एक एक दिन करके, और आप लोग से भी शेयर कर रही हूँ। सो अभी देख लीजिए कि हमारा डिनर हो चुका है, और इसके बाद क्या है ना कि मैं धीरे धीरे सारे बर्तन को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि देखिए एक तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या है ना, काम तो किसी का इंतज़ार नहीं करता है, करना तो मुझे ही है, चाहे अभी करूँ चाहे सुबह करूँ, मुझे ही करना पड़ेगा। तो देख लीजिए रोबोट की तरह यहाँ पर सारे काम को कंप्लीट कर ले रही हूँ, और इसके साथ में क्या है ना कि गैस स्टोव को भी क्लीन कर लूँगी। तो मुझे आदत है अकेले काम करने की, शादी के बाद से ही मैं अकेले ही रहती हूँ और अकेले ही घर का सारा काम करती हूँ, और मुझे कोई परेशानी होती भी नहीं है। तो क्या है ना कि देख लीजिएगा, ऐसा भी होता है कि जिस घर में दो लोग या तीन लोग काम करने वाले होते हैं, जैसे किचन में ही, जैसे जिनका बड़ा फैमिली होता है, तो कहीं ना कहीं किसी को किसी दूसरे का काम पसंद नहीं आता है, या मुझे किसी का काम पसंद नहीं आया, या किसी को मेरा काम पसंद नहीं आया, ऐसा भी होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुद का काम खुद ही करना बेहतर है, किसी के ऊपर ना थोप के। तो ऐसे भी मेरे घर में तो कोई है नहीं कि मेरा काम कर देगा, तो वही है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैं धीरे धीरे करके सारे गैस स्टोव को भी क्लीन कर लूँगी, और नॉनवेज बना है तो क्लीन तो करती ही। मुझे अब ऐसा लग रहा है ना कि मैं कुछ भी काम नहीं करूं और सो जाऊं, बस मुझे अब सोने का ही मन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सर्दी जुकाम इस टाइप से लग रहा है, एंड पेन भी हो रहा है पूरे बॉडी में, पता नहीं क्यों। मौसम भी चेंज हो रहा है ना, अभी देख लीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। क्या हो रहा है क्या पता, बाहर निकलने से ठंडी है, घर में रहने से पूरा गर्मी लगता है। दोपहर में तो ऐसा लगता है जैसे पूरा गर्मी का मौसम आ गया है। धूप तो छोड़ी, तो धूप में बैठना तो मैं कब से बंद कर दी हूँ, मतलब और गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। अभी रात को भी क्या करते हैं ना हम लोग कि कूलर चालू कर रहे हैं, दो तीन दिन से रात को कूलर चालू करके सोते हैं, आधा रात तक चालू करते हैं, फिर उसके बाद हस्बैंड उठते हैं बंद करते हैं, फिर सोते हैं हम लोग। तो यही सब चल रहा है, और इसी वजह से ही मुझे लग रहा है ना कि मेरा तबीयत ज़्यादा ही खराब हो रहा है, डल होते जा रहा है। तो चलिए अभी मेरे को बात करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग देखने में अच्छा लगा होगा। सो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ मुझे पता है, तो वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।